बीच बीच में असफल क्यों हो इस तरह की राजनीति के कारण, लेकिन अगर सफलता भी मिली है तो इसी कारण मिली है कि मैं स्वच्छ राजनीति करता हूँ, वो भी इस सफलता का वही कारण है मेरा। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ, बार बार कोशिश करता हूँ कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो मेरा धर्म है, उसको मैं सामने ला के रखूँ, और फिर जनता के ऊपर है कि वो एक्चुअली। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो शिकारगंज का पुर है, शिकारगंज एक बड़ा उदाहरण है आपके विधायकाल का। तो कहीं ना कहीं उसके विकास के कुछ पुल बनवाने के लिए आपको अपनी खुद की जमीन दान दे ऐसा है। ये बहुत स्पष्ट था उस टाइम कि अगर मैं वो ज़मीन नहीं देता तो ये काम नहीं हो पाएगा, और मुझे ये भी विश्वास था कि ये काम इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्षेत्र को इतनी बड़ी सुविधा मिल सकती है इस पुल के कारण, कि मैं मेरे पास जो वो 16 एकड़ ज़मीन थी, वो 16 एकड़ ज़मीन के कोई उस टाइम कोई काम नहीं था, उसमें कुछ नहीं हो रहा था, वो खाली पड़ी थी। तो मैंने ये सोचा कि वो मुझे दे देने से कोई मुझे बहुत हानि नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को मिल सकता है। एक जन कल्याण की बात, जन कल्याण के लिए आपने अपनी ज़मीन दान दी, क्या ऐसे अन्य जनप्रतिनिधि भी हैं, अन्य दल के लोग हैं, क्या उनको ये सीख देंगे आप, उनको प्रेरित करेंगे कि आगे आए सिटी के विकास के लिए? मैं तो चाहूँगा कि इस उदाहरण से वो प्रेरित हो और आगे बढ़ के जनता के काम के लिए जो भी एक हिस्सा है उनके उनके आमदनी का या उनके उनके वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, वो एक हिस्सा तो कम से कम दें, और अगर वो भी नहीं देते तो कम से कम अपना पूरा पूरी मेहनत लगा इस जन कल्याण के लिए। क्या भाई आपको लगता है जो वर्तमान चुनाव तीसरी पारी आप खेलने जा रहे हैं, इस तीसरी पारी में आपका क्या रहेगा सामने की? मेरा मुद्दा बहुत स्पष्ट है और बहुत छोटा सा है। मूलभूत सुविधाएं जो आज तक लोग वंचित रहे हैं उससे, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, सड़क की बात नहीं करता हूँ मैं, बिल्डिंग की बात नहीं करता, स्कूल क्या वे पर्याप्त वो हो गई हैं, बिल्डिंग हो गई हैं, सब तरह से जो कंक्रीट एक विकास है वो हो गया है। अब हमें विकास वैसा चाहिए जो अधिकार का विकास है। अगर स्कूल है तो उसमें मास्टर अच्छे होने चाहिए, अगर अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर अच्छे होने चाहिए कि हमें बाहर न जाना पड़े, अगर हमारे पास पट्टे की ज़मीन है तो हमारा उस पर अधिकार होना चाहिए, जो अगर पंचायत के जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। मैं भी ये भी कहता हूँ कि जो पंचायत का जो ये एक उसमें क्लॉज जुड़ा हुआ है कि एक अधिकारी एक चुने हुए पंचायत सरपंच को हटा दे, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये भी एक अधिकार की बात, हम जनता ने चुना है उसको, एक अधिकारी कैसे उसको हटा सकता है? तो ये भी एक मुद्दा है लड़ने के लिए। हर बार जब चुनाव आता है तो ये 40 धारा को लेकर दबाव बनता है पंचायतों के ऊपर, वो फिर सरकार की मदद करें, ये हटना चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी देश में अपना राजनीति में अहम स्थान रखती है, आप यहाँ चुनाव मैदान में हैं मध्य प्रदेश में, और भी आपके पार्टी के कई उम्मीदवार मैदान में हैं, अभी तक आपके पार्टी के तरफ से कोई वरिष्ठ नेता ने चुनाव का कैंपेन शुरू नहीं किया, क्या यहाँ पे भी कोई बड़े नेता आएंगे? मैं तो इस बात को गलत मानूंगा कि किसी ने कैंपेन की शुरुआत नहीं की। मेरे नेता ने अखिलेश यादव जी ने 18 मई को यहाँ बिगुल बजा दिया, वो सबसे पहले बड़े नेता, देश के नेता, सिमरिया जैसे छोटे से गांव में आकर उन्होंने इस चुनाव की शुरुआत कर दी। तो बिगुल तो हमारा उस टाइम बज गया था सबसे पहले, और इस बार फिर हमारा समझौता है गोंडवाना से, तो गोंडवाना के जो वरिष्ठ नेता हैं हीरा सिंह मरकाम वो भी आएंगे, अखिलेश यादव जी भी आएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी वरिष्ठ नेता इस चुनाव में समाजवादी के। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर आम जन में नाराजगी है, भाजपा और कांग्रेस लगभग दोनों से लोग नाराज हैं, आम जन तीसरे विकल्प की तलाश कर रहा है और अपने यहाँ से नामांकन भरा है, ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, आपकी क्या अपेक्षा है जनता की अपेक्षाओं पर? क्या देखिए, उस अपेक्षा की तो मैं बात नहीं कर सकता, यहाँ पे जो लोग, ये बहुत विभाजित विषय है, ये आधे कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, कुछ कहते हैं कि सही हुआ है, इस पे ज़्यादा मैं चर्चा इस
कर सकता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ सर कि इस देश का जो संविधान है वो कहता है कि न्याय होना चाहिए। अब न्याय की परिभाषा हमें डिफाइन करनी है, तो जब भी सुप्रीम कोर्ट उस न्याय की परिभाषा को तय करेगा तब जाके इसका अभी जो